शहडोल संभाग के अनूपपुर में अदानी ग्रुप का पदार्पण हो गया है और ये पदार्पण अनूपपुर में स्वीकृत गैस पाइपलाइन का कार्य बरबसपुर पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों में शहर में पदार्पण करेगा और अडानी ग्रुप सारे नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा है और हालात ये हैं कि अडानी ग्रुप के ग्रुप प्रोजेक्ट हेड मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है और शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आखिरकार अडानी जैसे प्रोजेक्ट में हाथ डालें तो कैसे डालें, क्योंकि अडानी को कौन नहीं जानता और शायद इसी के चलते प्रशासन की मौन स्वीकृति मिली हुई है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रोजेक्ट के तहत अडानी ग्रुप अनूपपुर जिले में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है। जिला मुख्यालय की सीमा में बरबसपुर में तीव्र गति से गैस पाइपलाइन डाली जा रही है। इस कार्य हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री के द्वारा जो परमिशन दी गई है उसके पहले ही शर्तों का अडानी ग्रुप द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति लोक निर्माण विभाग में दर्ज करा दी है। कार्यवाही नहीं होने पर अडानी ग्रुप के इस हठधर्मिता के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वहीं जब इस अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रशांत कुमार से हमने बात करनी चाहिए तो हमारे सवालों से वे भागते नजर आए। अडानी ग्रुप का काम करने वाली प्रोजेक्ट वेंडर ध्रुव कुमार ने जरूर हमसे बात करते हुए उनके पास अनुमति है पर जहां की अनुमति है वहां पर अतिक्रमण है, इसलिए हम यहां काम कर रहे हैं। वहीं जब हमने इस मामले में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से बात की तो उन्होंने जांच की बात कर कार्यवाही करने की बात की है। पीडब्ल्यूडी ने आपको परमिशन दी है, क्या परमिशन दिया है, क्या करना है? परमिशन तो दिया है सर, पाइपलाइन डालने का। कहाँ पे डालने का? आरओडब्ल्यू से 15 मीटर बाहर। क्या आरओडब्ल्यू से 15 मीटर है जहाँ पाइपलाइन डाल रहे हैं? 15 मीटर के बाहर, 15 मीटर में एंक्रोचमेंट है सर। एंक्रोचमेंट है तो आप रोड पे डाल देंगे? ये तो नहीं, रोड से तो नहीं है। ये तो आरओडब्ल्यू में डाल रहे हैं ना आप आरओडब्ल्यू में डाल रहे हैं ना, तो आरओडब्ल्यू में आप काम क्यों कर रहे हैं? आरओडब्ल्यू में नहीं कर रहे सर। नहीं कर रहे हैं? आरओडब्ल्यू सेंटर से 15 मीटर होता है, ये अभी आप कितने मीटर पे डाल रहे हैं सेंटर से? अभी हम लोग यही देख लेते हैं सर। आप ही बता देना, आप देख के बता। यहाँ नहीं रहेगा सर, यहाँ नहीं। सेंटर से कितने मीटर पे डाले आप? नहीं, 8 मीटर पे डाल रहे हैं। सेंटर से 8 मीटर पे आप डाल रहे हैं, 15 मीटर पे डालना चाहिए सर। तो अभी ना नापे आप पाइपलाइन गड्ढा खोद रहे हैं क्या? अभी जो जगह कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे कितना मीटर है? वहाँ हो रहा है कितने मीटर पे डाले आप? 10-12 मीटर के आसपास। अभी आप पीडब्ल्यूडी एसडीओ के सामने 8 मीटर बता रहे थे, अब 10-12 मीटर हो गया। आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितने मीटर पे डाल रहे हो यार। परमिशन आपको 15 मीटर के बाहर डालने की है, तो आप ये वायलेंट क्यों कर रहे हो? एंक्रोचमेंट है ना सर। एंक्रोचमेंट तो आप प्रशासन से कहिए ना हटाने के लिए, कि आप खुद निर्णय करेंगे। हमने किया है। अगर मान लीजिए बीच रोड में हो तो बीच रोड खोद के डालेंगे क्या? बीच रोड में तो होएगा नहीं। फिर चलिए, क्या नाम है आपका? ध्रुव। लिमिटेड की जो पाइपलाइन पड़ रही है, क्या आपत्ति है आपकी उसमें? ये जो आरओडब्ल्यू है, आरओडब्ल्यू के बाहर इनको काम करना है और ये लोग आरओडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे हैं, यही आपत्ति है। क्या होता है आरओडब्ल्यू, सामान्य भाषा में अगर अपन जनता को बताना चाहें? जनता को ये अगर समझाना चाहें तो उसमें ये कि ये रोड जो है उस रोड पर कोई भी निर्माण काम नहीं होगा। जो आरओडब्ल्यू होता है, हर रोड का अलग अलग होता है, एनएच का अलग होगा, स्टेट हाईवे का अलग होगा, विलेज रोड का अलग होगा। इस रोड पे जहाँ बैठे हैं उसका क्या होता है सेंटर? ये 15 मीटर है, 15 मीटर के बाहर करना है। हाँ, 12। अभी ये जो पाइपलाइन डाल रहे हैं कितने मीटर पे डाल रहे हैं? ये 7-8 मीटर पे डाल रहे हैं लोग। तो आपने पीडब्ल्यूडी को आपत्ति की है? हमने एसडीओ साहब खुद बुलाया, वो जांच कर रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं और अभी वो उस हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं और ये पाइपलाइन इसी तरह डलती तो क्या आगे भविष्य की योजना कांग्रेस पार्टी की क्या है? इस पाइपलाइन में इसी तरह डलती है और आपकी आपत्ति का निराकरण भी प्रशासन नहीं करता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये लोगों के, आम जनता की सुरक्षा का मामला है, उनके जानो माल का मामला है, तो बहुत सीरियस इशू है। और इस अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि प्रशासन भी इसमें लीन है या मिलीभगत हुई है इन सब चीज़ों में, जिस पर घोर आपत्ति की जाएगी, न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी और साथ में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। सर, अडानी ग्रुप के द्वारा गैस पाइपलाइन डाली जा रही है अनूपपुर जिले को लेकर के, विभाग ने उन्हें परमिशन दी है आरओडब्ल्यू या मध्य रोड से 15 मीटर बाहर जाकर के निमंत्रण परमिशन दी है, लेकिन वो 5 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर में जाकर के खुदाई करके पाइपलाइन डाल रहा है, नियमों को वायलेट कर रहा है। जो भी आप बोल रहे हैं ये मेरे संज्ञान में लाया, मैं इसको अभी अपने एसडीओ को भेज करके इसकी जाँच करा लेता हूँ, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। सुरक्षा का वायलेशन हो रहा है क्या सर इस पूरे मामले, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो?
मैं इसको देख लेता हूँ उसमें क्या क्या उसमें ने वायलेट किया है, अगर होगा तो उनमें हम उससे पैसा जमा कराते हैं, उसकी पीजी जमा होती है, अगर कोई भी होगा तो शासन के जो भी नियम होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं।